वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। सो गाइस, जो एजुकेशन आर्मी एजुकेशन कोऑप है, जो सिलेक्शन प्रोसेस था एजुकेशन हवलदार, कब बंद हो चुका है। अब इसके कंसर्न आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी कि ये कितने टाइम के लिए बंद किए गए हैं, टेम्परेरी है या परमानेंट है, या फिर इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है इसके बाद में, एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस यानी जो रिक्रूटमेंट है वो बंद कर दी है, इसके पीछे का ट्रुथ क्या है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। बट फर्स्टली मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर नीरज गोरा का, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो में कमेंट करते हुए उन्होंने मुझे एक लिंक के थ्रू लिंक प्रोवाइड किया था, एंड उसमें जब मैंने वो लिंक ओपन किया तो उसके थ्रू मैंने उसे सर्च वगैरह किया, फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने जो वेबसाइट है उन्हें चेक किया इंडियन आर्मी की, तो वहाँ पर मुझे अभी जो आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ वो मिली। उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन आर्मी का जो आर्मी एजुकेशन कोर है उसे बंद किया जा रहा है। ओके, सो गाइज अभी शुरू करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है आफ्टर 70 ईयर्स इन सर्विस इंडिया सेट टू शट आर्मी एजुकेशन कोर्प। 1947 में एस्टेब्लिश की गया था। ओके, इंडिया इज लाइकली टू क्लोज एन आर्मी यूनिट एस्टेब्लिश इन 1947 में इसे शुरू किया गया था टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू ट्रूप्स। जो सिपाही होते थे इंडियन आर्मी के, जो रिक्रूट किए जाते थे उस टाइम पे, उन्हें बेसिक एजुकेशन देने के लिए इसे शुरू किया था। बेसिक एजुकेशन इन द सेंस बिकॉज उस टाइम पे एजुकेट नहीं होते थे जो ट्रूप्स होते थे, वो ज़्यादा एजुकेट नहीं होते थे एंड उन्हें वाइडली नॉलेज नहीं होता था, ना ही वेपन्स के रिगार्डिंग, ना ही सोशल मीडिया। उस टाइम पे तो वैसे इंटरनेट का कोई स्कोप था नहीं। इंटरनेट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी इसके पीछे जो बंद करने का रीज़न ये इंटरनेट ही है। ओके, सो गाइज यहाँ पे लिखा है एन 11 मेंबर कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द वाइंडिंग अप द आर्मी एजुकेशन कोऑप एंड डिप्लॉय 5000 पर्सनल टू द वॉर जोन दैट विल बी एडवांटेजेस टू द फोर्सेस। जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, जब इन्होंने ये लिखा जो है आर्टिकल इसको पढ़ा, तो गाइज पहले मैंने सोचा कि ये सिर्फ ऑफिसर रैंक के लिए होगा, कि शायद ऑफिसर की रिक्रूटमेंट जो है बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रूप्स हैं यानी ओआर रैंक एंड जेसीओस, उनके लिए भी बंद किया जा रहा है। मेन मोटिव, अगर मेन सीधे अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो सिंपली ये बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आर्मी एजुकेशन कोऑप के जो भी जेसीओस ओआर ऑफिसर होते हैं उनका कोई काम ही नहीं रहा है। बस उनका मतलब एक बोझ है वो इंडियन आर्मी के, अभी इंडियन आर्मी ऐसा समझ रही है कि इनका कुछ काम नहीं है। जिस पर्पस के लिए इन्हें रिक्रूट किया गया था वो उस पर्पस के लिए कोई इनका मतलब अब रहा ही नहीं, इसलिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली सेटमिन 2016 में एक कमेटी बिठाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप लेफ्टिनेंट जनरल डी वी शेखकर, रिटायर्ड हो चुके हैं, जो वाज टास्क टू रिकमेंडेड मेजर्स टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। दिस पर्सनल विल बी डिप्लॉयड अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर एज द मेंबर ऑफ साइबर एजेंसी एंड हेल्प इन फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन डिफिकल्ट हिमालयन टेरियन फॉर सर्विलेंस पर्पज। जब ये रिक्रूटमेंट जो है, मतलब फ्यूचर में जब ये जो आर्मी एजुकेशन कोर है उसे फ्यूचर में इस तरह का बनाने का सोचा है इंडियन आर्मी ने कि ये चाइना एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उन पे इन्हें रखा जाएगा एंड साइबर सिक्योरिटी एंड हिमालयन एरिया जो होते हैं उन पे सर्विलेंस के लिए। ओके, द AEC शुड बी क्लोज्ड एज अ कोऑप ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल के लिए जो है इसे बंद किया जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के कहा कि ये टेम्परेरी है, सो गाइस इसे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बंद किया जा रहा है, यानी 2023 के बाद की रिक्रूटमेंट आ सकती है, यानी 2023 से रिक्रूटमेंट आएगी एंड उस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट आएगी उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा टफ हो जाएगा, यानी डिफरेंट होगा एंड थोड़ा टफ भी होगा। ओके, एंड इट्स एग्जिस्टिंग मैन पावर शुड बी रीओरिएंटेड एंड रीस्किल्ड टू द फॉर्म पार्ट ऑफ द साइबर वॉरियर्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट और ट्रेंड एज अनमैंड एरियल व्हीकल ऑपरेटर्स, द कमेटी सेड इन दिस रिपोर्ट। जो ये अप्रूवल है इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भी भेजा गया था एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे अप्रूव कर दिया था। एज यू आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन इन मार्च। ज्यादातर रिकमेंडेशन उन्होंने मार्च में कर दी थी, अप्रूव कर दी थी, लेकिन बट एंड नाउ इट सीक सर्विसेज चीफ अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। 2018 से इसे अप्रूवल करने का था, जो चीफ ने करना था, जो आर्मी चीफ होते हैं उन्होंने अप्रूव करना था। प्रेजेंटली ऑफिसर्स एंड जेसीओज ऑफ द आर्मी एजुकेशन कोऑप आर नॉट यूटिलाइज ऑप्टिमली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऑफिसर्स एंड जेसीओज ऑफ द आर्मी एजुकेशन का नॉट यूटिलाइज ऑप्टिमली। यही था कि उनका यूज, मतलब उनको बस एक किस्म का यही था कि रिक्रूटमेंट तो कर ली गई है उस पर्पज के लिए, लेकिन कोई यूज नहीं था। ओके, बिकॉज जो अब ट्रूप्स जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं सिपाही रैंक पे, वो
एजुकेटेड हैं, उन्हें वेल नॉलेज है कंप्यूटर का, एंड उन्हें जो है वो सोशल मीडिया का भी ज़्यादा, सोशल देखिए इंटरनेट की वजह से ही आज जो है इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स होते हैं सिपाही, वो एजुकेटेड हैं। अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो अनएजुकेटेड होते थे उस टाइम पे, इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड इन द सेंस, ये नहीं कह रहा कि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो एजुकेटेड होते थे, लेकिन उन्हें बाहर के इतना ज़्यादा आउटर नॉलेज नहीं था, वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। लेकिन आज जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है ट्रूप्स की सिपाही रैंक के लिए, वो वेल उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है कंप्यूटर का एंड ऑल दैट, इसलिए आर्मी एजुकेशन कोर को बंद किया जा रहा है। ओके, द कोर वॉज एस्टेब्लिश एट अ टाइम वेन ट्रूप्स वर नॉट लिटरेट, बट नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स आर वेल एजुकेटेड, क्लासेज हैव बीन कट डाउन ड्रास्टिकली, अप्रोक्सीमेटली 5,000 पर्सनल आर एंगेज इन द एजुकेशन कोर एंड हैव नॉट बीन फुली एक्सप्लोर्ड एंड यूटिलाइज, मेजर जनरल रवि कुमार अरोरा। सो गाइज, ये थी रिपोर्ट, यानी 5 ईयर्स के बाद रिक्रूटमेंट शुरू होगी। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये फेक न्यूज़ है एंड वट एवर यू आर थिंकिंग नाउ, सो गाइज इससे फेक न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल है सेम एज ये SSB क्रैक की साइट पर भी है। SSB क्रैक जो है वो इंडियन आर्मी का एक एक जो है मोटिवेशनल चैनल आप कह सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं इन्हें, एंड इन्होंने ये अपनी ये साइट पे लिखा है, इंडियन आर्मी हैज़ क्लोज्ड आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स एंट्री। ओके, इन्होंने यहाँ पे एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, इन अ वर्ल्ड विद रियल एंड वर्चुअल डेंजर्स द आर्मी नीड्स मोर पर्सनल हु कैन डू देन दोज हु कैन टीच। ओके, सो अराउंड 5,000 मैन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन द फोर्स कुड बी टर्न इन टू डेडली वॉरियर्स इन द साइबर स्पेस और यूज फॉर फ्लाइंग सर्विलेंस ड्रोन्स अलॉन्ग द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान और चाइना। द थ्री सर्विसेज आर कंसिडरिंग अ प्रपोजल इन दिस रिगार्ड बाय गवर्नमेंट पैनल। द रिकमेंडेशन हैज कम फ्रॉम द कमेटी फॉर्म्ड अंडर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DV शेखकर। सेम जो प्रीवियस आपको साइट पे बताई वहां पे लिखा है, सेम यहीं पे, ये कोई आप कहेंगे तो फेक साइट नहीं है। SSB क्रैक एक बहुत बड़ा कह सकते हो आप, किसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा है, एंड जो आप कैंडिडेट्स जो एजुकेशन हवलदारी की प्रेपरेशन कर रहे थे या करने जा रहे हैं, सो गाइज मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ऑफिसर रैंक के लिए तैयारी करें, बिकॉज हवलदार SSC में सिर्फ जो कैंडिडेट ने BSc BA की है विद मैथ्स वही एलिजिबल हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एजुकेशन हवलदार की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा जो ग्रेजुएशन कोर्सेज थे वो अवेलेबल थे, फॉर एग्जाम्पल BTech, MTech, BCom, MCom, BSc, BA एंड ऑल दैट, ये सभी थे अवेलेबल, लेकिन ऑन द अदर लेकिन हवलदार SSC में सिर्फ दो ही है, BSc BA विद मैथ्स। सो गाइज अगर हवलदार सेक्शन में आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी एंड अगर आप 5 साल भी वेट करते हैं तो अब आपकी एज ओवर हो जाएगी एंड उस टाइम पे सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है। इन्होंने लिखा 5 साल है लेकिन ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये इंडियन आर्मी को मालूम है। एंड अगर आप सिपाही रैंक की बात करें तो उस पर रिक्रूटमेंट होना मुश्किल है, बिकॉज आपकी रिक्रूटमेंट होना मुश्किल है बिकॉज उसका एज लिमिट कम होता है, 21 ईयर्स होता है। सो आप उसमें भी रिक्रूटमेंट, और अगर आपको इंडियन आर्मी को फिर भी अगर आप मोटिवेट हो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के, अच्छी बात है, तो यू शुड गो फॉर CDS एग्जाम। ओके, CDS एग्जाम भी सिमिलर है एजुकेशन हवलदार के एग्जाम के साथ, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, OR रैंक एंड ऑफिसर में डिफरेंस तो होगा ही, रिटन एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी थोड़ा टफ होता है, लेकिन जनरल नॉलेज इंग्लिश यही होता है सिर्फ CDS एग्जाम में। अगर हम OTA की बात करें, ऑन द अदर हैंड अगर हम IME की बात करें तो वहां पर आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, लेकिन हम अगर हम एजुकेशन हवलदार की बात करें तो यहाँ पर भी आपको GK, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये तीनों चीज़ें तो पढ़नी ही होती हैं। तो एग्ज़ाम भी सेम है, बस ये है कि आपको SSB के लिए जाना होगा, लेकिन SSB की प्रेपरेशन आप किसी भी कोचिंग सेंटर में कर सकते हैं। मिनर्वा अकेडमी जो एक चंडीगढ़ में जो अकेडमी है, काफ़ी अच्छी एंड वेल रेपुटेटेड जो अकेडमी है उनमें से एक है, सो गाइज आप उसके लिए जा सकते हैं। एंड गाइज मैंने आपको किसी भी वीडियो में आज तक ये नहीं कहा कि इसे शेयर कीजिए, सो गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए उन कैंडिडेट के साथ जो एजुकेशन हवलदार की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे थे, सो गाइज उनको ये मालूम पड़ जाए कि ये रिक्रूटमेंट जो है बंद हो चुकी है। ओके गाइज, एंड फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन मिलिट्री, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।